हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अट्रैक्टिव सेंटेंसेस जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वो गहरी नींद सोया हुआ है। He is fast asleep. He is fast asleep. यहाँ पर fast asleep का मतलब है गहरी नींद सोया हुआ। उसे सोने का शौक है। He is fond of sleeping. He is fond of sleeping. वो अनुभवी शिक्षक है या तजुर्बेकार शिक्षक है। He is an experienced teacher. He is an experienced teacher. यहाँ पर experienced का मतलब है तजुर्बेकार या अनुभवी। उसे पढ़ाने का शौक है। He is fond of teaching. He is fond of teaching. तुम्हें जीतने का बराबर मौका मिला है। You have got a 50-50 chance of winning. You have got a 50-50 chance of winning. यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ, 50-50 का यहाँ पर मतलब है बराबर का या बराबर। मेरा पापा के साथ कल झगड़ा हुआ। I had a fight with my father yesterday. I had a fight with my father yesterday. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वो मेरा समर्थक है। He is my follower. He is my follower. यहाँ पर follower का मतलब है समर्थक। क्या तुमने स्वेच्छा से उसकी मदद की? Did you help him of your own free will? Did you help him of your own free will? यहाँ पर of your own free will का मतलब है स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव में आकर। मैंने उसकी मदद स्वेच्छा से नहीं की। I did not help him of my own free will. I did not help him of my own free will. घड़ी 5 मिनट तेज है। The clock is 5 minutes fast. The clock is 5 minutes fast. यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स बता देती हूँ, फास्ट का यहाँ पर मतलब है तेज। जब हम घड़ी आगे कर देते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, घड़ी 5 मिनट तेज है। घड़ी 5 मिनट धीमी है। द क्लॉक इज 5 मिनट्स स्लो। द क्लॉक इज 5 मिनट्स स्लो। जब घड़ी हम पीछे कर देते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, घड़ी 5 मिनट धीमी है। छींकते समय अपना मुंह और नाक ढक लो। कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग। कवर योर माउथ एंड नोज
while sneezing. अपने हाथों को साबुन से धोएं. Wash your hands with soap. Wash your hands with soap. बाहर जाने से पहले मास्क पहनो. Wear a mask before going outside. Wear a mask before going outside. मैं 2 साल पहले उससे मिला. I met her 2 years ago. I met her 2 years ago. मैं 2 महीने पहले उसके साथ था. I was with her 2 months ago. I was with her 2 months ago. ये था आज का हमारा वीडियो. तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.